नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांधार, मथुरा व अमरावती कला शैली में अंतर। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आधार की बात करेंगे, फिर गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली में तीनों में का आधार क्या रहा है, ठीक, तीनों में संरक्षण किसका रहा है, वाह प्रभाव किसका रहा है, प्रभाव विस्तार क्या था, धार्मिक प्रभाव क्या था। तो इस एक एक चर्चा को हम लोग जो कि हर शैली में करेंगे। जैसे आधार कालखंड क्या है, कालखंड गांधार शैली कालखंड क्या था, तो मौर्योत्तर काल, मथुरा शैली में मौर्योत्तर काल और अमरावती में भी मौर्योत्तर काल, मतलब तीनों का कालखंड एक ही काल रहा है। क्या मौर्योत्तर काल ही तीनों शैलियों का काल रहा है, क्या रहा है तीनों शैलियों का, तो मौर्योत्तर काल। संरक्षण देखिए, गांधार शैली का संरक्षण तो कुषाण काल में होता है, किसके, कुषाण काल में, वही मथुरा शैली का भी संरक्षण कुषाण काल में ही होता है, किसमें, कुषाण काल में ही होता है। बात होती है अमरावती शैली का, तो ये सातवाहन एवं इक्ष्वाकु शासक के शासन काल में इसका संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा वाह्य प्रभाव का, वाह्य प्रभाव, वाह्य प्रभाव मतलब क्या होता है कि बाहरी प्रभाव, किस शैली पे बाहरी प्रभाव पड़ा या किस शैली पे नहीं पड़ा। तो ये है आपका यूनानी, गांधार शैली में आपका पड़ता है यूनानी या हेलेनिस्टिक मूर्तिकला का भारी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। वहीं मथुरा कला की अगर बात की जाए तो इसमें स्वदेशी शैली है, और इसमें भी अमरावती में भी स्वदेशी शैली का प्रभाव हमको दिखाई देता है। इस दोनों में जो कि हमें कोई बाहरी प्रभाव दिखाई नहीं देता है। चौथा पॉइंट है प्रभाव विस्तार। वही गांधार शैली में अगर प्रभाव विस्तार की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम सीमांत आधुनिक गांधार क्षेत्र था, कौन सा, आधुनिक गांधार क्षेत्र। वहीं मथुरा शैली में अगर क्षेत्र की बात कीजिए, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ था, तो मथुरा में था, शोक में था, कंकाली टीला व आसपास के क्षेत्र, कंकाली टीला व आसपास के क्षेत्र। और अमरावती अगर शैली की बात की जाए तो अमरावती शैली में कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती व नागार्जुन कुंडा, नागार्जुन व कोंडा तक विस्तार है अमरावती शैली में। अब हम बात करेंगे धार्मिक प्रभाव की, तीनों में धार्मिक प्रभाव क्या था। देखिए, गांधार में था यूनानी रोम देवताओं से प्रभावित मुख्यतः यह बौद्ध कला थी, किसकी, यूनानी रोम देवताओं से प्रभावित मुख्यतः यह बौद्ध कला थी। वहीं मथुरा में आपका जैन हिंदू बौद्ध सभी धर्मों से संबंधित कला के प्रभाव रहा है, इसमें धार्मिक प्रभाव भी अगर बात की जाए तो इसमें मुख्यतः आपके बौद्ध कला का प्रभाव रहता है, किसके, बौद्ध कला का प्रभाव रहता है। वहीं निर्माण सामग्री की बात की जाए, किसकी, निर्माण सामग्री की, तो प्रारंभिक गांधार में नीले धूसर बलुआ पत्थर के बाद में मिट्टी व प्लास्टर का प्रयोग किया गया है। वहीं मथुरा शैली में आपका चित्तीदार बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसका, चित्तीदार बलुआ पत्थर का। बात करें अमरावती में तो आपका सफ़ेद संगमरमर, इसका, सफ़ेद संगमरमर। इन तीनों शैलियों की जो कि प्रमुख विशेषता, अंतिम पॉइंट है, क्या है, अंतिम पॉइंट क्या है आपका, प्रमुख विशेषता,
देखिए गांधार शैली में आपका क्या रहा है, तो लहराते बाल अत्यधिक आध्यात्मिक मुद्रा, योगी मुद्रा, बुद्ध की अलंकरण विहीन तथा बोधिसत्व की अलंकरण युक्त अधकुली आंखें सिर पर उभरा दर्शाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषता ये रही है गांधार शैली की। वहीं मथुरा शैली की अगर बात की जाए तो इसके दाहिने कंधा वस्त्र रहित, बाल विहीन, मूछ विहीन, अलंकार विहीन, अपेक्षाकृत बड़ा प्रभाव मंडल, प्रसन्न चित मुंडा, चेहरे पर विनीत भाव, प्रसन्न चित्त मुद्रा, चेहरे पर विनीत भाव हमें दिखाई देता है। वहीं अगर हम बात करें अमरावती में, तो अमरावती में हमें आपका मूर्तियों में सामान्यतः बुद्ध के जीवन व जातक कथाओं पर की कहानियाँ की हैं। तीनों में की प्रमुख विशेषता क्या है कि लहराते बाल किसकी है, तो गांधार की, आध्यात्मिक मुद्रा योगी मुद्रा, बुद्ध की अलंकरण विहीन तथा बोधिसत्व की अलंकरण युक्त अधकुली आंखें व सिर पर उभरा दर्शाया गया है। यह प्रभाव किसका, विशेषता किसकी है, तो गांधार शैली की। मथुरा शैली में क्या होता था कि दाहिना कंधा वस्त्र रहित, बाल विहीन, मूछ विहीन, अलंकार विहीन, अपेक्षाकृत बड़ा प्रभा मंडल और प्रसन्न चित्त मुद्रा, चेहरे पर विनीत प्रभाव। ती आपका था गांधार मथुरा अमरावती कला शैली में प्रमुख अंतर। अब हम बात करते हैं, एक तरफ आपका स्थल है, दूसरी तरफ मूर्ति के प्रकार। तो जैसे आपका मोहन जोदड़ो से हमें भैंसा और भेड़ा का मूर्ति मिला है। कैसा, भेड़ा और भैंसा का मूर्ति। दूसरा पॉइंट है चन्नोदड़ो, तो चन्नोदड़ो से हमें इक्का गाड़ी मिलता है। क्या, इक्का गाड़ी। तीसरा है लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, तो ये इसमें यहाँ से हमें मिलता है पक्षी कुत्ता और बैल, पक्षी कुत्ता और बैल। वहीं चौथा पॉइंट है हमारा कालीबंगा से हमें वृषभ मिलता है, जो कि किसका, ताम्र निर्मित, इसका ताम्र निर्मित। पांचवा पॉइंट है दैमाबाद से हमें काशी का रथ मिलता है। क्या, काशी का रथ। अब हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की। देखिए भारत में तीन प्रकार की शैलियां हैं, तीन प्रकार की आपकी शैली है। मंदिर की अगर निर्माण की शैली की बात की जाए तो तीन शैली हैं। पहला है नागर शैली, दूसरा है बेसर शैली, तीसरा है आपका द्रविड़ शैली। तो आइए सबसे पहले हम लोग नागर शैली की विषय में बात करते हैं, फिर द्रविड़ शैली की। पहले हम बात करेंगे नागर शैली। नागर शैली का नामकरण जो हुआ है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के आधार पर, किसके, गुजरात के नागर ब्राह्मणों की आधार पर निर्माण अगर संरचना के दृष्टि से बात की जाए तो इस शैली के मंदिर जो कि एक निश्चित आधार पर या अधिष्ठान पर बनाए जाते हैं। इसके प्रवेश द्वार क्या होते थे नागर शैली के, तो आयताकार, जिसके सिर पर क्या होता था कि गज लक्ष्मी की
आकृति। और इस शैली में गर्भगृह या देउल, देउल किसे कहा जाता है मित्रों? तो देउल जो कि जहाँ देवता स्थापित होते हैं उसके क्या कहा जाता है? तो देउल कहा जाता है। और ये छोटे होते हैं और ये पिछले भाग में स्थित होते हैं। नागर शैली के विकास में हमें तीन शैलियों का प्रमुख योगदान है। वो तीन कौन शैलियां हैं? तो पहला है आपका उड़ीसा शैली, उड़ीसा शैली। दूसरा है आपका खुजराहो शैली। खुजराहो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, खुजराहो शैली। तीसरा तीसरा चालुक्य सोलंकी शैली, चालुक्य या सोलंकी शैली। वहीं भारत में अगर नागर शैली के सर्वोत्तम मंदिर की अगर बात की जाए तो वह कौन सा है? तो उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर। अब दूसरा पॉइंट है हमारा बेसर शैली, बेसर शैली। तो बेसर शैली मित्रों क्या है? मिश्रित शैली है। क्या है ये? मिश्रित शैली। तो मिश्रण का मतलब है कि दो, नागर शैली और प्लस द्रविड़ शैली से मिलकर यह बनी है। इस शैली जो कि नागर और द्रविड़ शैली से मिलकर बनी कौन सी है? तो बेसर शैली। बेसर शैली की अगर मुख्य विशेषता की बात की जाए, मुख्य विशेषता दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारे शैलियों से रिलेटेड आपके जो कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट छाट के ये नोट्स बनाया गया है और इसको आपको शेयर किया जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए मुख्य विशेषता की बात करते हैं। इसकी मुख्य विशेषता में पहला क्या है कि अर्ध मंडप, अर्ध मंडप। दूसरा है कि मंडप तथा विमान आते हैं, मंडप तथा विमान आते हैं। इसके गर्भगृह की जो योजना होती है वह मिश्रित योजना होती है, जो कि कहीं कहीं ये आयताकार तो कहीं अष्टभुजाकार भी मिलती है। इस के मंदिरों के मुख्य द्वार जो कि पीछे की ओर होते हैं, किसके पीछे की ओर होते हैं। अगर बात की जाए इस शैली के प्रमुख नमूनों में, तो बेल्लूर का चिन्न केशव मंदिर, महाराष्ट्र का अमरनाथ मंदिर, बुरहानपुर स्थित खानदेश का मंदिर जो कि है। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट हमारा द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में सबसे पहले हम क्षेत्र की बात करते हैं, इसका विस्तार कहाँ तक है? तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट संरक्षक, तो द्रविड़ शैली के संरक्षक थे शातवाहन, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य व पांड्य। द्रविड़ शैली के में निर्माण किस किस मंदिरों का निर्माण हुआ? तो जैसे बृहदेश्वर मंदिर, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर और सप्त रथ। वहीं इसके विशिष्टता की बात की जाए तो मंदिर, रथ, विमान और गोपुरम। गोपुरम का अर्थ होता है मित्रों कि गाय के सींग के समान प्रवेश द्वार, गाय के सींग के समान प्रवेश द्वार। यह आपकी द्रविड़ शैली की विशिष्टता रही है। इसके अगर मुख्य आधार की बात की जाए तो यह रहा है अष्टकोणीय। क्या रहा है?
अष्ट कोणी। गोपुरम की बात की जाए मित्रों, तो इसे क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसे, गोपुरम प्रवेश द्वार। द्वार की ऊंचाई अधिक होना इसे विमान कहा गया है। क्या? विमान। वही वातायन, वातायन का अर्थ होता है मित्रों खिड़की। ये द्रविड़ शैली की सारी विशेषताएं हैं मित्रों। और द्रविड़ शैली का अगर सर्वोत्तम उदाहरण देखा जाए तो आपका बृहदेश्वर मंदिर है। इसे किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने। इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इन मंदिरों में मित्रों शानदार शैली से युक्त ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ भी हमें प्राप्त होता है और गर्भगृह इसका प्राय कैसा है? तो वर्गाकार। कैसा है? वर्गाकार। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। अब हम बात करते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। गुप्त काल में कौन कौन से प्रमुख मंदिर है? तो जैसे पहला है तिगवा। तिगवा कहाँ है? तो जबलपुर में। किसका मंदिर है? तो विष्णु का मंदिर है ये। दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर। ये कहाँ पे है? तो नागौर मध्य प्रदेश में। तीसरा नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। चौथा देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश ललितपुर में। पांचवा खोह का मंदिर मध्य प्रदेश नागौर में। छठा भीतर गांव का मंदिर जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं हम बात करते हैं गुप्तकालीन मूर्तियों के विषय में। इसकी प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो गुप्तकालीन मूर्तियों में मित्रों नग्नता नहीं है। क्या नहीं है? नग्नता नहीं है। गुप्त युग में मित्रों तीन बौद्ध मूर्तियों का उल्लेख है। कौन सा? तीन। पहला कौन सा? तो सारनाथ का बुद्ध मूर्ति। दूसरा सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। तीसरा जो कि आपकी मथुरा की बुद्ध मूर्ति। मथुरा की बुद्ध मूर्ति। नोट, इनमें से सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो कि सर्वाधिक आकर्षक है, सर्वाधिक आकर्षक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।